इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सब्सिडी स्कीम फेम 2 मार्च में खत्म हो रही है और ईवी इंडस्ट्री को उम्मीद है कि सरकार बजट में इसे बढ़ाएगी। ईवी इंडस्ट्री की विशलिस्ट क्या है इस बार बजट से, आइए देखते हैं। साल 2023 में देश में करीब 15 लाख ईवीज की बिक्री हुई थी, लेकिन क्या 2024 में भी ये मोमेंटम बरकरार रहेगा? ये निर्भर करेगा इस बात पर कि क्या सरकार ईवीज को देने वाली छूट जारी रखती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है फेम 2 स्कीम, जो इस साल खत्म हो रही है। स्कीम का दायरा बढ़ाना और फेम 3 की घोषणा ईवी इंडस्ट्री की विशलिस्ट में सबसे ऊपर है। मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज डेवलप करने के लिए, कैपेसिटीज इंडिया में बिल्ड करने के लिए हम ये भी उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट प्रोडक्शन साइड इंसेंटिवाइजेशन पे भी अपना फोकस कंटिन्यू रखें। एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए बैटरीज के प्रति जीएसटी का रिफॉर्म भी आना जरूरी है। इंडस्ट्री ये भी चाहती है कि बजट में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर फोकस हो, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का भी इंतजार है। हालांकि टैक्सेशन जीएसटी काउंसिल के अधीन है, लेकिन इंडस्ट्री ये भी चाहती है कि सरकार अपनी तरफ से इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स पर जीएसटी दरों को घटाने का प्रस्ताव रखे। इंडस्ट्री उम्मीद कर रही है कि लिथियम आयन बैटरी पर जीएसटी वर्तमान 18% से कम कर 5% की जाएगी। जीएसटी के इनपुट रॉ मटेरियल की दरों में कमी आए और उसको 5% पर रखा जाए। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव सब्सिडी का प्रावधान करें और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सब्सिडी ऑन लैंड एक्विजिशन जैसे कदम उठाए जाए। एक बड़ी मांग ईवी फाइनेंसिंग को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत लाने का है। साथ ही ईवी निर्माताओं ने सरकार से खासतौर पर ईवीज के लिए एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव पॉलिसी लाने की मांग भी की है। पिछले कुछ साल से हर बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है। इंडस्ट्री इस साल भी कुछ ऐसी ही उम्मीद कर रही है। रोहन सिंह, दिल्ली।